गुनहगार के आगे अपना सर मत झुको। मेरे सामने जहां से ये सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करें। मैं वक्त को, मैं थक गई हूँ इस रिश्ते का बोझ उठा उठा के। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबरदस्ती नहीं आ सकती उनके रिश्ते। यहाँ मैं कब का खो चुकी हूँ। बढ़िया नहीं ड्रामे में अब रमजा एक बार फिर से बहुत सी मुसीबतों में घिरी हुई है, लेकिन अब की बार वो साबित कर देगी कि वो गलत नहीं है। अफनान को अपने फैसले पर पछतावा होगा जब रमजा सबूतों के साथ वापस आएगी और सबको आकर बताएगी किस तरह उसके साथ नाइंसाफी हुई। तब तक अलीज़र उसकी माँ अपने मुंह से इकरार भी कर लेंगी और सब कुछ अफनान अपने कानों से सुन लेगा, जिसके बाद अफनान को अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। वो बहुत पछताएगा पहले की तरह कि जिस तरह उसने पहले रमजा को छोड़कर फैसला किया था वो आज तक पछता रहा है। अब वो फिर से पछताएगा, लेकिन अब की बार रमजा उसे माफ़ नहीं करेगी। वो बार बार रमजा से माफ़ी मांगेगा, रमजा को प्रपोज करेगा और आखिरकार रमजा अफनान से शादी कर लेगी। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी, लेकिन अलीज़ा ने जो किया है उसकी सजा उसे ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहता है कि रमजा अफनान की शादी होनी चाहिए, कमेंट करके अपनी कीमती राय से मिलाजमी आगा कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।